व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ Realme 9 सीरीज के बारे में। यहाँ पर देखिए, डिवाइस में कुछ भी बोलने से पहले, मतलब डिवाइस से रिलेटेड आगे कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप यूट्यूब पर जाएंगे और वहाँ पर जब आप टाइप करेंगे Realme 9 सीरीज या Realme 9 या इसके अलावा कोई भी डिवाइस, मैं सिर्फ इसकी डिवाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप उसको सर्च करके देखेंगे तो आपको एंड नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर Realme 9 अनबॉक्सिंग ये वो सब इन सब चीज़ों के बारे में दोनों दोस्तों आपको बात मिलेगी वीडियोस। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो Realme 9 सीरीज़ है इसके अभी तक कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। ज़्यादातर जो रूमर्स है, लीक्स है, उन सब के ऊपर ही है। यहाँ पर अभी तक प्रॉपर लिस्ट नहीं हुआ है डिवाइस, बड़े यूट्यूबर्स को अभी तक डिवाइस नहीं मिला है और यहाँ पर इनके पास में अनबॉक्सिंग आ जाती है और ये लोग उसकी अनबॉक्सिंग बताते हैं। वो ऑब्वियसली जब हम वीडियो के अंदर जाते तो बाद में फिर भेद खुल जाता है कि ये वीडियो कुछ और ही है, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो है ना दोस्तों वो YouTube पे इस वक्त हो रही है और सिर्फ Realme 9 सीरीज़ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ। जो डिवाइस लॉन्च नहीं हुआ है उसके 5-5 महीने पहले अनबॉक्सिंग पड़ गई है। मैं ऑब्वियसली रिव्यू यूनिट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े यूट्यूबर्स को रिव्यू यूनिट मिल रहे हैं मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर ऑब्वियसली जब अंदर जाएंगे तो पता लग जाता है कि भाई फेक डिवाइस है, किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करके जो है ना उसको अनबॉक्सिंग बताई जा रही है, वो डिवाइस बोल के बताया जा रहा है। और यहाँ पर बड़े यूट्यूबर्स का, बड़े क्रिएटर्स का जो है ना वो थंबनेल लगाया जाता है ताकि पब्लिक जो है ना उससे अट्रैक्ट हो, बड़े क्रिएटर्स का थंबनेल। जी हाँ, और सिर्फ थंबनेल की बात नहीं है, सिचुएशन तो होगी कि बड़े क्रिएटर्स के चैनल भी जो है ना उसमें बनाए जा रहे हैं, मतलब फेक चैनल बनाए जा रहे हैं और उसके बाद में फिर किसी न किसी तरीके से एडिटिंग में अच्छा बना के उसके बाद में फिर वो फेक डिवाइसेस को जो है ना वो वीडियो में बताते हैं। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि जितनी मेहनत तुम लोग एडिटिंग में करते हो उतनी मेहनत अगर अपना ढंग का रियल कंटेंट बनाने में करोगे ना तो ये सब फालतू चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे को। और बड़े क्रिएटर्स का थंबनेल बनाते हैं जैसे कि टेक्निकल गुरुजी है, टेक बर्नर है, ट्रैक इन टैक है, खास तौर से टेक बर्नर और ट्रैक इन टैक के तो ज़्यादातर मिलते हैं थंबनेल्स। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, पॉइंट नंबर वन जो सबसे बड़ी गलती है वो हमारी कुछ ऑडियंस की है। जी हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि ऑडियंस को चाहिए फ़ोन, ऑडियंस को अगर रिव्यू देखना है तो उसके लिए फ़ोन चाहिए, ऑडियंस फीचर्स के ऊपर जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होती। अगर कोई प्रॉपर चैनल है, ऐसा जेन्युइन चैनल है जो फीचर्स समझाने की कोशिश कर रहा है, नहीं ऑडियंस को फ़ोन चाहिए, अब वहाँ पर भले फेक फ़ोन उनको देखने के लिए मिले। यहाँ पर देखो दोस्तों, ऑडियंस की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब उनको पता लग रहा है कि ये वीडियो फेक है, सबसे पहली बात तो वीडियो को डिसलाइक होना चाहिए और उसके बाद में वो वीडियो रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि टाइटल में कुछ और, थंबनेल में कुछ और, और जब वीडियो निकाल के देखते हैं तो वो कुछ और, वो क्लियरली पता लग जाता है यार, छोटे छोटे बच्चे नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। दूसरी चीज़ की है कि जो बड़े क्रिएटर्स हैं जिनका नाम यूज़ किया जा रहा है इस चीज़ में, उनको जो है ना कुछ एक्शन उनके अगेंस्ट लेना चाहिए, क्योंकि उनके नाम के ऊपर जो है ना एक फेक चैनल चल रहा है, ऑब्वियसली वो तो नहीं चला रहे, तो उनको एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्शन इसके अगेंस्ट लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है, जो जेन्युइन क्रिएटर्स होते हैं, जो हकीकतन अपनी मेहनत लगाते हैं, जो है ना अपना टाइम देते हैं उस वीडियो में, फिर वो जो है ना नज़र में नहीं आ पाते इसकी वजह। क्यों? क्योंकि एक व्यूअर ने जब एक वीडियो देखी उसमें उसने देख लिया भाई फ़ोन ऐसा है वैसा है जो भी कुछ है, जबकि वो फ़ोन फेक होता है, फिर उसके बाद में फिर इस टाइप की वीडियोस को वो नहीं देखते। क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमें समझने की ज़रूरत है, और यहाँ पर ऑब्वियसली जो जेन्युइन वीडियोस बनाते हैं, जो हकीकतन वीडियो के पीछे मेहनत करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ऐसे जो ऐसे सब फेक वीडियोस नहीं डालते, तो उनको जो ना ऑब्वियसली मतलब वो वीडियोस जो है ना वो नज़र में आनी चाहिए। दोस्तों ये देखिए, मेरी तरफ से एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने एक छोटी सी बात जो है ना वो समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको सही लगी होगी। और मेरी तरफ से दोस्तों ये सब जो चीज़ें चल रही है ना, विच नीड्स टू बी स्टॉप्ड एंड एन एक्शन हैज़ टू बी टेकन अपॉन, अब वो देखेंगे भाई कौन लेगा इसके अगेंस्ट एक्शन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फाइनली मैं अब आता हूँ वीडियो की तरफ, बात करूँगा आपसे Realme 9 Pro Plus के बारे में। यहाँ पर IMA लिस्टिंग पे जो है ना इसके डेटाबेस के ऊपर Realme 9 Pro Plus की कुछ स्पेसिफिकेशंस आए हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस इसके रूमर्ड है, उसके बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा। इंडियन सर्टिफिकेशन इस डिवाइस ने जो है ना वो पास कर दिया है और ये लॉन्च भी हो सकता है इन नियर फ्यूचर, मतलब जल्द ही जो है ना कमिंग मंथ्स में ये लॉन्च हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके डिस्प्ले फीचर्स के बारे में, तो कुछ रूमर्ड स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है ना वो देखने के लिए मिल सकता है, साथ ही में इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है ना वो देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूंगा कैमरा फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर कैमरा से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉपर या फुल इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर इतना पता लगा है कि इसमें क्वाड सेटअप जो है ना हमें देखने के लिए मिल सकता है, 108 मेगापिक्सल का इसमें प्राइमरी लेंस मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपेयर करेंगे अगर Realme 8 Pro से, तो उसमें अराउंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिला था, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसमें जो है ना वो थोड़ा एडवांस अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा जो कि अराउंड 16 मेगापिक्सल का
हो सकता है। तो यहाँ पर गाइज देखिए, अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कैमरे से रिलेटेड नहीं आई है, तो मैं अपने अपनी तरफ से कंफर्मेशन नहीं दूंगा भाई ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं यही बोल सकता हूँ कि भाई हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि यहाँ पर एक आइडिया हो जाना चाहिए कि जो ये डिवाइस लॉन्च हो रहा है वो किस तरीके का डिवाइस जो है ना वो लॉन्च हो सकता है। यहाँ पर बात करूँगा दोस्तों मैं हार्डवेयर फीचर्स के बारे में। अब देखिए, हार्डवेयर फीचर्स वो सेक्शन है जो कि ज़्यादा डिफरेंशिएट करता है वन प्लस एट प्रो से, या वन प्लस एट प्रो की जो सीरीज़ है उससे। यहाँ पर ऐसी न्यूज़ है कि इसमें स्नैपड्रैगन 750 या तो फिर स्नैपड्रैगन 870 जो है ना वो देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस जो है ना वो 5G प्रोसेसर है, दोनों के परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली फ़र्क है, लेकिन दोनों ही 5G चिपसेट है। तो इस बात से ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि ये जो फ़ोन है वो 5G कैपेबिलिटीज़ के साथ में आएगा। वहीं पर अगर मैं वेरिएंट के हिसाब से बात करूँगा तो इसमें दो वेरिएंट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, 8GB रैम और 6GB रैम वाले वेरिएंट। बाकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो हम देखेंगे जब फ़ोन के और ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस आते हैं तो क्या क्या इंटरनल स्टोरेज कंपनी की तरफ से हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा दोस्तों बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर ऐसी रूमर्ड इन्फॉर्मेशन है कि इसमें 5000mAh की बैटरी हमें देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 30W की फास्ट चार्जिंग जो है ना वो हमें देखने को मिल सकती है, 30 या 33W की फास्ट चार्जिंग जो है ना वो हमें देखने के लिए मिल सकती है। अब यहाँ पर 5000, 6000 दोनों के ऊपर जो है ना दोस्तों वो न्यूज़ डगमगा रही है, लेकिन दोनों ही बैटरी कैपेसिटी एकदम ज़बरदस्त है। अगर 5000mAh की बैटरी भी हमें मिलती है तो वो भी जो है ना दोस्तों सही चीज़ है, और फास्ट चार्जिंग तो ऑब्वियसली 33W इज़ गुड इनफ। वहीं पर इसमें एंड्रॉयड 11 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। बात करूंगा दोस्तों प्राइस और लॉन्च के बारे में, तो देखिए ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा अगर हम प्राइस और लॉन्च के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी प्राइस के हिसाब से दोस्तों एक हिंट हम ये दे सकते हैं कि ज़्यादातर न्यूज़ ही निकल के आ रही है कि नेक्स्ट ईयर में Realme 9 सीरीज़ का लॉन्च हमें देखने के लिए मिल सकता है। और ये जो IMA डेटाबेस के ऊपर लिस्टिंग आई है ये खास तौर से Realme 9 Pro Plus की आई है, जी हाँ, क्योंकि Realme 9 सीरीज़ के जो दूसरे डिवाइसेज है वो लीक होना अभी तक बाकी है। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो Realme 9 Pro Plus के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है 2022 में जैन के मंथ में कभी भी इसका जो है ना लॉन्च हमें देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर बात करूँगा प्राइस के बारे में, तो इस सीरीज़ की जो स्टार्टिंग है जो बेस मॉडल है वो 15,000 से हो सकता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जिस डिवाइस के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बेस मॉडल नहीं है, वो एक प्रीमियम मॉडल है इस सीरीज़ में, तो इसलिए मैं बेस मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ। 15,000 से स्टार्टिंग हो सकता है 14999। बाकी दोस्तों अब आगे देखते हैं, जैसे जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तो वैसे वैसे इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर इसकी अपडेट पड़ जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना, और आपके पास में ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट्स कॉलम इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। और अभी तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रखिए ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके के अपडेट्स मिस नहीं करोगे हमारे चैनल पर से। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग। जय हिंद।